दिल्ली से चलकर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन आज रामनगरी अयोध्या पहुंची। यहां अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। इस ट्रेन में 190 यात्री सवार हैं और ट्रेन का पहला पड़ाव रामनगरी अयोध्या है, दूसरा पड़ाव नेपाल स्थित माता जानकी की नगरी है। भारतीय रेलवे की इस ट्रेन से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु स्वागत को देखकर भाव विभोर हो गए। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े आस्था के केंद्रों की सैर कराने वाली इस ट्रेन को केंद्र सरकार की देखो अपना देश की पहल के तहत शुरू किया गया। इसे श्री राम जानकी यात्रा नाम दिया गया। दरअसल ट्रेन दिल्ली से चलकर अयोध्या पहुंच चुकी है। अयोध्या में श्रद्धालु राम जन्मभूमि हनुमान गढ़ी दशरथ महल सरयू आरती समेत पौराणिक मठ मंदिरों का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन करेंगे। फिर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से बिहार सीतामढ़ी के लिए रवाना। कहाँ से? मैं गाजियाबाद से। ये यात्रा कितने दिनों की? ये है 6 दिन की। आपकी रात कितने लोग हैं? मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दोनों हैं। अगर टूर की बात करें तो कितने लोग हैं? 150 के करीब। हाँ, दर्शन करने पहली बार आई हूँ। अभी पढ़ा तो बहुत है, आज तक पता नहीं था। अभी देख के पता चलेगा कैसा है, कैसा फीलिंग होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। क्या नाम? श्वेता। आए हैं राम श्री राम वही ट्रेन से आए हैं। ये 7 दिन का टूर है। 17 सीख को चला था, 23 सीख को बाया नेपाल होके जान गए। नेपाल प्रयागराज बनारस तक का टूर है ये हमारा। आज हम लोकल बैठे हैं, लोकल में रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, नंदीग्राम के दर्शन करेंगे और सरयू में स्नान भी करेंगे। बोलो जय श्री राम। 7 दिन का टूर है। क्या नाम है? श्री राम जानकी यात्रा। मेरा नाम योगेश गुप्ता है, अम्बाला से आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। हम तो पुराने 7 जन्मों से यहीं रहते हैं। भगवान राम के दर्शन से हम भी और राम जी के चरणों के द्वारा छूने आए हैं, रामलला के दर्शन करने आए हैं। जो 700 साल से हमारा मंदिर बंद पड़ा था, ये हमारी आज की सरकार ने उसको खुलवाया है। ये बहुत बड़ी बात है और जब तक हम रहेंगे रामलला के दर्शन के लिए आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे और मोदी सरकार की जय बोलते रहेंगे। योगेश गुप्ता। 150 लोग हैं यहाँ पर। पूरी ट्रेन आई है, 12 डब्बों की पूरी फुल ट्रेन है। स्पेशल IRCTC की ट्रेन है, 13 डब्बे इसके अंदर है, फर्स्ट और सेकंड AC। मैं आया तो हैदराबाद से हूँ, जा रहा हूँ अयोध्या, उसके बाद जाऊँगा वाराणसी प्रयागराज। कैसी रही? बहुत अच्छी रही, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जो भारत बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। ऐसी ट्रेन की हमने उम्मीद भी नहीं की थी, इतनी अच्छी ट्रेन है। सब लोगों के लिए अच्छा, आराम है, खाना पीना सब कुछ फर्स्ट क्लास। क्या नाम? अशोक।